हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक सिंपल सी तोरण पट्टी बनाना सिखा रही हूँ, जिसमें मैं बटरफ्लाई लगाऊंगी। फ्रेंड, आप इसे बहुत आसानी से और तीन रंगों की से ही बना सकते हैं, पर मैं बटरफ्लाई कल दूसरे दिन आपको वीडियो में डाल दूँगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। पट्टी बनाने के लिए मैंने सफ़ेद रंग के धागे का इस्तेमाल किया है। ये क्रोशिया है 1.60 mm का और मैं धागे से इसे बनाऊंगी और बटरफ्लाई में दूसरे दिन बनाऊंगी। तो मैंने साइड में रखा। सबसे पहले मैं एक लूप बनाऊंगी और जितना चेन मुझे चाहिए, जितना चेन आपको चाहिए उतने ले लें। मैंने वैसे 16 लिया। लूप हो गया मेरा, अब मैं 16 चेन बनाऊंगी। ये मेरे 16 चेन हो गए। अब मैं यहाँ से 1, 2 और 1, 3 तीन चेन बना के चौथे चेन में आके यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। फिर दूसरे वाले में भी डबल क्रोशिया, यानी कि ये पूरा एक लाइन में इस तरह से डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करूँगी। ये मैंने बना लिया एक लाइन डबल क्रोशिया। फिर अब यहाँ से मैं 1, 2, 3 बनाऊंगी और यहाँ 5 मैं बनाऊंगी, यानी कि एक ये हो गया और 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1, 2, 3 इसको लेकर 5 और इस साइड में भी मैं 5 रखूँगी। 1, 2, 3, 4, 5 अब इतना मेरे पास बचे हैं। तो मैं यहाँ एक डबल क्रोशिया, एक छोड़ के एक डबल क्रोशिया, एक छोड़ के एक डबल क्रोशिया, एक छोड़ के एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से जितने बॉक्स हैं आपको इतना बनाना है तो बनाइए, नहीं तो एक एक और ले लीजिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह। ऊपर से मैंने एक चेन लिया और एक छोड़ा, दूसरे में आके यहाँ मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक बॉक्स बन गया हमारा, फिर एक चेन लिया, फिर एक छोड़ दिया, दूसरे में आके एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लिया, एक स्किप किया यहाँ और इसमें आके एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर एक स्किप किया और इसमें आके डबल क्रोशिया। तो हमारे पास 4 बॉक्स हो गए। आपको अगर 5 बनाना है तो आप 5 भी बना सकते हैं। बाकी जो बचे हैं मैं इन्हें इसी तरह से बना लूँगी। 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी, मैं एक और बना लेती हूँ क्योंकि हमारे पास और भी हैं, एक बॉक्स और बन सकता है। तो ये हो गया, एक चेन मैंने लिया, एक छोड़ा यहाँ आके। आपको जितने बॉक्स चाहिए उतने आप बना सकते हैं। देखिए, इसमें मेरे 4 बॉक्स हो गए और इस वाले में भी मैंने 4 बॉक्स बनाया है। अगर आपको 5 चाहिए तो 5 भी बना सकते हैं। 4 बॉक्स हो गए मेरे। फिर 1, 2, 3, 4 लास्ट का 5। अगर कोई एक यहाँ बचता भी है तो आप उसे छोड़ दें, क्योंकि ये बराबर कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू बराबर जाएगा। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया,
इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, फिर यहाँ एक चेन और ये इसके, इसके ऊपर हम बनाएंगे डबल क्रोशे, एक चेन फिर इसके ऊपर डबल क्रोशे, एक चेन डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे। क्योंकि हमें इसके ऊपर बटरफ्लाई बनानी है इसलिए मैंने कोई भारी डिज़ाइन नहीं डाला। आप चाहें तो आप ऐसे प्लेन भी बना सकते हैं या इससे भी ज़्यादा बॉक्स बना सकते हैं, किनारे एक दो डबल क्रोशिया डाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम फ्लावर या बटरफ्लाई बिठाएंगे इसके ऊपर तो ये ढक जाएगा कुछ हद तक इसके ऊपर, इसलिए इसमें सिंपल डिज़ाइन ही ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर यहाँ तीन चेन, डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया पर फिर से डबल क्रोशिया, फिर बॉक्स के ऊपर बॉक्स एक चेन लेके इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। इसी तरीके से आपको आपके दरवाजे की पट्टी जितनी बड़ी हो आप बना लें, या आपको इससे चौड़ा चाहिए तो आप इससे चौड़ा भी बना सकते हैं। जिस तरीके की आपको छोटी बड़ी बटरफ्लाई बनानी हो उस तरीके से बना सकते हैं। इसके ऊपर फ्लावर भी बिठा सकते हैं, आपको जैसी इच्छा हो आप बना सकते हैं, एकदम सिंपल शोभा। किसी दूसरे कलर से भी बिठा सकते हैं, मैंने वाइट इसलिए बनाया क्योंकि इसके ऊपर मुझे जो ये बटरफ्लाई लगानी है तो ये, ताकि इस पर पूरा रंग दिखाई दे इनका। आप किसी और कलर की भी बटरफ्लाई बना सकते हैं या सामने सामने इस तरीके से भी लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए, इस तरह से भी लगा सकते हैं। इस तरह से भी लगा सकते हैं आमने सामने।